अच्छा जी, कहाँ पे थे यार? फाइनल अकाउंट, ओ सॉरी, फाइनल अकाउंट कह रहा हूँ, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट का ये फाइनल फॉर्मेट पढ़ लिया। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जिसमें अक्रूवल का बी डी सी डी हो और प्रीपेड का बी डी सी डी हो और यहाँ से बैलेंसिंग इनकम स्टेटमेंट अमाउंट जा रही हो। जरा ये कैलकुलेशन सीख लेते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं जनाब। एग्जाम्पल नंबर 3 वो कह रहा है अक्रूवल, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट कंबाइंड। तो देखो एक्सपेंस, ये ओपनिंग प्रीपेड क्लोजिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेबल क्लोजिंग पेबल, कैश पेड इधर आ गया, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में बैलेंसिंग फिगर ये आ गई। धन बच्चों, चलो इसी खुशी में अदील इंजीनियर वाला सवाल फड़काते हैं हम। और वो कह रहा है टू अकाउंट सिस्टम से। हमने क्या कहता रहा, हमने तो वन से करना है। सवाल पढ़ लें, सॉल्व करते हैं जी। बच्चों रेडी कर लिया आप लोगों ने? चलो जी, आसान सा नन्ना मुन्ना सा सवाल, एक बस 5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। सवाल सवाल को ना देखा करें, कंसेप्ट इसके अंदर बहुत आसान सा है। अदील इंजीनियरिंग हैज टू मोटर व्हीकल दैट आर यूज विद इन द बिजनेस। अदील इंजीनियरिंग के पास दो मोटर हैं जो बिजनेस में इस गाड़ी इस्तेमाल करता है। द एक्सपेंस ऑफ रनिंग दिस व्हीकल एंड इंश्योरिंग दिस व्हीकल आर रिकॉर्डेड इन द व्हीकल रनिंग एक्सपेंस। कहता गाड़ी के सारे खर्चे हम गाड़ी के एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। एट 1 मई 2003, 1 मई 2003, और यहां पे रुक के देखो कि हमारा ईयर एंड क्या है। हमारा ईयर एंड हो रहा है अप्रैल 30 2004। इसका मतलब अगर अप्रैल 30 है, अगर अप्रैल 30 है, अप्रैल के बाद कौन सा महीना था? मई। तो इसका स्टार्ट होगा 1 मई, ये 24 है, तो फिर ये होगा 2023, ये ईयर एंड होगा। 2004 जी, मुझे भी नजर आ रहा है वो 2004 है। अच्छा चार, अच्छा वो चार, ओहो 24 और 4 में क्या फर्क है यार, सिर्फ टू डेकेड्स का कोई ज्यादा फर्क नहीं, बस 19-20 का फर्क है। चलो 1 मई 2003 से लेके 30 अप्रैल 2004, ये बच्चों मेरा ईयर एंड आ गया, लिख लिया। अब 1 मई की बात कर रहा है, कैसे तो साल का शुरुआत की बात कर रहा है। देर आर रिपेयर बिल अक्रूड, हुए हुए हुए, अक्रूड का वर्ड आ गया। इसका मतलब क्या होता है? यू आर पेबल कह सकता हूं, ओपनिंग पेबल आ गया। पेट्रोल बिल अक्रूड ₹12,000, तुम अगेन पेबल आगे, दो पेबल आगे, दोनों ओपनिंग पेबल आगे। एंड इंश्योरेंस दैट हैड बीन प्री पेड, वो हमारी इंग्लिश का इम्तिहान ले जा रहा है। प्री पेड, ये ओपनिंग प्री पेड 2900 का आ गया। सबसे पहले इनको काबू करते हैं। डन बच्चों, बच्चों समझ आ रही है बच्चों? ओके ओके ओके, अब यहां पर आ जाए। एग्जाम्पल 3 है हमारी, एग्जाम्पल 3। व्हीकल अकाउंट चल रहा है, व्हीकल रनिंग एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा भी भाई, यहां पे बीडी आ जाएगा प्रीपेड, ऐसी ऐसी है बच्चों, और यहां पर आ जाएगा बीडी अक्रूड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी शुरुआत में बस हम लिख रहे हैं जस्ट बरकत के लिए, बाद में हमें ट्रेन हो जाएंगे, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। भाई अक्रूड कितना है? 4780 प्लस 12,000, तो कितना आ जाएगा? 4780 प्लस 12,000, आंसर कितना आया? 16,780। डन। और बच्चों प्रीपेड में कितना था? 2900। बच्चों यहां पर आ जाएगा 2900। बच्चों एनी मुश्किल? नो मुश्किल, नो मुश्किल। और आपको पता है इसके बाद क्या आ जाएगा? कैश। और बोलो बच्चों ना, कैश पेड आ जाएगा यहां पर सारा। अब देखते हैं क्या क्या कैश पे हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2004, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस 30 जून को पेड। भाई वर्ड पेड नजर आ रहा है, इसका मतलब पेमेंट हो चुकी। रिपेयर बिल टू वर्कशॉप, वर्कशॉप पे कोई रिपेयरिंग कराई उसका बिल हो गया।
आगे इंग्लिश समझ आए या ना आए, पेट का वर्ड पढ़ लिया, खर्चा हो गया कितना 6980 का, भैया रिकॉर्ड कर लो 6980 का। तो ओहो कैश कितना आया 6980 का खर्चा आ गया। एक डेट लिखना चाहो लिख लो, वरना मुझे इशू नहीं है। सितंबर 1 सितंबर 2003 को पेड इंश्योरेंस फॉर वन मोटर व्हीकल फॉर द ईयर टू 31 अगस्त 2004। कहता 31 अगस्त 2004 तक के लिए मैंने 34,800 की क्या कर दी, पेड कर दी। तो ये भी खर्चा हो गया 34,800 का। तो 34,800 का खर्चा हुआ, लेकिन ये जो मैंने पैसे पे कर दिए ये 31 अगस्त तक के पे किए, हालांकि मेरा ईयर एंड तो 30 अप्रैल तक का खत्म हो जाएगा। तो अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक देखें कितने एडवांस महीनों का भी इंश्योरेंस पे कर दिया। अप्रैल के बाद क्या था, मई जून जुलाई अगस्त, भाई 4/12 चार महीनों का एडवांस में कह सकता हूँ इंश्योरेंस पे कर दिया। और ये क्लोजिंग प्रीपेड बनेगा, क्लोजिंग प्रीपेड बनेगा भाई, क्लोजिंग प्रीपेड पर आ जाए। तो भाई बीडी प्रीपेड आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीडी प्रीपेड आ जाएगा। बच्चों मेरी बात समझ लगती है, सीडी प्रीपेड कितनी अमाउंट थी, 34,800 मल्टीप्लाई बाय 4/12, चार महीनों का एडवांस में हमने पेमेंट कर दी। भाई आंसर क्या आता है, सर 11,600 आती है। आगे चलते हैं, 1 दिसंबर को पेड, भाई दोबारा पेमेंट कर दी, पेड खर्चा हो गया 39,000 का हो गया। भाई लिख लो खर्चा हो गया तो लिख लो जल्दी जल्दी, 39,000 का खर्चा हो गया। लेकिन दोबारा इंश्योरेंस के लिए हमने सेकंड मोटर को इंश्योरेंस करवाया और वो इंश्योरेंस कहां तक की, नवंबर 30, 2004 तक। भाई मेरा ये रेंट तो 30 अप्रैल तक हो जाएगा, तो कितने महीनों के एडवांस में इंश्योरेंस पे कर दी, अप्रैल के बाद, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7/12 सात महीनों के एडवांस में कर दी पेमेंट। तो 39,000 मल्टीप्लाई बाय 7/12 कर दूंगा, आंसर कितना आया, 22,750। और कोई पेमेंट रह गई, पेड पेट्रोल बिल। भाई 1,30,000 का पेट्रोल डलवाया हमने, पेट्रोल डलवाया कितना, 1,30,000 का। ये चार कैश की पेमेंट आ गई, एग्री करते हो मेरी बात से, एट क्लोजिंग डेट देयर वर रिपेयर बिल अनपेड। हुए अनपेड का मतलब है पेमेंट नहीं की, ठीक है भाई, रिपेयर बिल अनपेड है कितना, 3,460। तो कह सकता हूं ये क्लोजिंग पेबल है, क्लोजिंग पेबल। भैया ओपनिंग पेबल तो इधर आ गया, क्लोजिंग पेबल फिर इधर आएगा। ओ बच्चों समय लगती है, हाउ मच क्लोजिंग पेबल, 3,560। तो बस गेम इज ओवर, खत्म कहानी। यहां पे अकाउंट क्लोज कर दें सवाल, और यहां से जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस विल गो टू इनकम स्टेटमेंट। जी बताएं बैलेंस कितना आता है, टोटल कितना आता है, 217,240। माशाल्लाह मेरे बच्चे कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं, 217,240। और यहां पर आ जाएगा 217,240। और बैलेंसिंग इनकम स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा बच्चों, 166
और ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर। और ये जो क्लोजिंग पेबल है ये अगले साल ओपनिंग पेबल बन जाएगा, और ये क्लोजिंग प्रीपेड है 11,600 प्लस 22,750, ये अगले साल का ओपनिंग प्रीपेड बन जाएगा। जी सर। सवाल हो गया खत्म, दी एंड। नहीं नहीं जी बच्चों डैन। अच्छा ओके, एग्जांपल 3 हमारी हो गई और ये हमने सिंगल अकाउंट सिस्टम से क्वेश्चन कर लिया, ये सारे सॉल्यूशन है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, आज नहीं कल, हमने एक्सपेंस वाली साइड कवर कर ली, अब नेक्स्ट हम ये इनकम वाली साइड कवर करेंगे, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे और एक दो दिन में टॉपिक कवर हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। डन बच्चों, ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।